एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि मैंने अपनी माता रानी के लिए कौन कौन सी 9 बहुत ही सुंदर सी ड्रेसेस तैयार की हैं। ये मैंने अपनी माता रानी के लिए नवरात्रि स्पेशल ड्रेसेस बनाई है, तो चलिए अब इनके डिज़ाइंस देखते हैं। तो ये वो ड्रेसेस है जो हमने बनाई है अपनी माता रानी के लिए। मैं भी आपको एक एक ड्रेस की डिज़ाइन शो करूंगी, आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं आपको सबसे सुंदर कौन सी ड्रेस लगी। तो देखिए, ये है हमारी सबसे फर्स्ट ड्रेस जो हमने पर्पल कलर में रेडी की है। तो ये जो लहंगा है, ये हमने पर्पल कलर के क्लोथ को लिया और उसमें फ्रिल डाल के बनाया है। इसके डेकोरेशन के लिए हमने यहाँ पे गोल्डन लेस लगाई है। आप देख सकते हैं कितना हैवी लुक दे रही है ये। यहाँ पे हमने कुछ नेट के जो क्लोथ था उसकी मदद से फ्लावर बनाए थे वो लगाए हैं। स्टोन लेस से भी हमने इसकी डेकोरेशन की है। बहुत सुंदर लहंगा तैयार हुआ है और ये हमने इसके इस हिस्से से गोटा अटैच किया ताकि हम इसे माता रानी को पहना सकें। ये मेरा तो सबसे फेवरेट लहंगा है और ये हमने रेडी की है इसकी मैचिंग की चुन्नी। इसके कॉर्नर पे हमने इस तरीके की एक रोज पिंक कलर में लेस लगाई है। यहाँ पे हमने एक टेसल वाली लेस भी ज्वाइंट की है और अगेन हमने सेम फ्लावर्स का भी यहाँ पे यूज़ किया है। देखिए बहुत सुंदर है ये। तो देखिए, सेकंड जो हमने ड्रेस बनाई है वो है ये। इसके लिए हमने पीछे बुकरम का बेस लिया है। यहाँ पे हमने बुकरम को अपनी माता के हिसाब से कट कर लिया जो मेरी माता को अच्छे से फिट आ जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड कलर का साटन यूज़ किया है। फिर मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट लेसेस की मदद से डेकोरेट किया है। यहाँ पर हमने गोल्डन लेसेस का भी यूज़ किया है। टॉप पर भी आप देख सकते हैं हमने टेसल वाली लेसेस का यूज़ किया है। यहाँ मैंने कुछ तारे लगाए हैं इसको और शाइनी लुक देने के लिए। एज नवरात्र के लिए है तो शाइन तो होनी चाहिए। और ये हमने यहाँ पे गोटा लगाया है माता को पहनाने के लिए। ये इसकी मैचिंग चुन्नी है, ये हम इस तरीके से माता को पहना देंगे। इसमें भी मैंने कोने में ये टेसल वाली लेस लगाई है और यहाँ पे मैंने तारे लगाए हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने ड्रेस बनाई है ये कम्प्लीटली हमने ग्रीन कलर में रेडी की है। ब्लू कलर की लेसेस की मदद से हमने इसमें काम किया है। बहुत सुंदर ड्रेस है ये। इसके लहंगे के लिए हमने ग्रीन साटन लिया है और यहाँ पे गोल्डन कलर की लेस लगाई है, टेसल वाली लेसेस भी लगाई है। ये एक मेरे पास ब्लू कलर की लेस थी जिसपे तारे अटैच हुए हुए थे, वो मैंने यहाँ लगाई है। देखिए बहुत हैवी वर्क है ये। गोटा से भी हमने इसमें काम किया है। एंड ये इसकी मैचिंग चुनरी है जिसमें हमने यहाँ पे सेम यही ब्लू वाली लेस लगाई है और उस पर हमने गोटा का डिज़ाइन दिया है। यहाँ पे इसके सेंटर के हिस्से पे हमने तारे लगाए हैं, कॉर्नर्स पे हमने पॉम पॉम्स अटैच किए हैं। आप हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अब नेक्स्ट हमने ये ड्रेस बनाई है, ये हमने रेड कलर में तैयार की है। तो ये देखिए, ये हमने इसका लहंगा तैयार किया है। ये हमने फ्रिल डाल के बनाया है। यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए हमने इस तरीके का एक अटैचमेंट लगाया है। नेट के क्लोथ को वी शेप में कट करके यहाँ ज्वाइन किया, उस पर गोटा एंड पॉम पॉम लगाया। इस तरीके का ये लहंगा है, बहुत सुंदर लगेगा। देखिए एज ये फ्रिल वाला लहंगा है तो इसलिए हमने इसके अंदर अस्तर लगाया है। अगर आप भी इस तरीके के फ्रिल वाले लहंगा अपनी माता रानी के लिए बनाते हैं तो अंदर अस्तर लगाइए। देखिए गोटा अटैच करना है हमें उन्हें पहनाने के लिए। अब ये हमारी चुन्नी है जिसके कोनों पे हमने इस तरीके से गोल्डन कलर में किरण लगाई है। यहाँ पे हमने रेड कलर के पॉम पॉम अटैच किए हैं। बहुत सुंदर ड्रेस है ये। नेक्स्ट मैंने ये ड्रेस तैयार की है। देखिए इसमें मैंने क्या किया, अगेन बुकरम लिया है मैंने एज अ बेस। उसके ऊपर मैंने किस तरीके का डिज़ाइनर क्लोथ पेस्ट किया और इस पर टेसल वाली लेसेस की मदद से डेकोरेशन की है। ये मिरर वाली लेस है, कुछ तारों की मदद से हमने यहाँ पे काम किया है और पीछे की तरफ गोटा लगाया है माता को पहनाने के लिए। बहुत सुंदर लहंगा है ये, कुछ इस तरीके से पहनाया जाएगा। और ये इसकी मैचिंग चुनरी है, ये हमने सेम क्लॉथ लिया है, उसके कोने पे पिंक कलर में लेस लगाई है। यहाँ पे हमने गोल्डन लेस भी लगाई है और कुछ पॉम पॉम लगाए इसको और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। अब मेरी जो नेक्स्ट ड्रेस है वो है ये।
इसके लिए मैंने पिंक कलर के क्लोथ को कुछ इस तरीके से कट कर लिया। और उसके बाद मैंने आपको ये जो मिरर वाली लेस है, ये आपने काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको शो की है, तो वो लेस जो थी उसको मैंने कट करके यहाँ पे एज अ पैच यूज़ किया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ और हैवी वर्क लेसेस लगाई थी जो मेरे पास है। यहाँ पे हमने रिबन लगाया है माता को पहनाने के लिए और कॉर्नर्स पे गोटा अटैच किया है एंड इसके मैचिंग हमने इसको रेडी किया है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक मल्टी में मेरे पास लेस थी उसको लगाया और उसके बाद यहाँ पे पैचेस पेस्ट किए अगेन लेसेस को कट करके। बहुत सुंदर है ये ड्रेस। एक ये मैंने इस तरीके की वाइट कलर में ड्रेस रेडी की है, इस पे हमने पूरा गोल्डन से काम किया है और ये इसकी मैचिंग हमने चुन्नी तैयार की है। तो देखिए इसमें अगेन हमने बुकरम के ऊपर वाइट कलर का क्लोथ इस तरीके से पेस्ट किया है, साटन है ये तभी इतना शाइन कर रहा है। इस पे हमने गोल्डन कलर की लेसेस की मदद से काम किया है। यहाँ पे एक बहुत हैवी वर्क लेस थी मेरे पास, वो मैंने लगाई है। कुछ तारों की मदद से भी हमने की है डेकोरेशन और पीछे अगेन हमने गोटा अटैच किया है। ये इसकी मैचिंग चुन्नी है जिसके लिए मैंने ऑरेंज कलर का नेट लिया, उसके कोनों पे मैंने अच्छे से जो सिल्वर कलर की किरण आती है वो लगाई है और ये गोटा फ्लावर्स है। अब नेक्स्ट मेरे पास ये ड्रेस है, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके लिए भी हमने फ्रिल ही दी है, ये हमने फ्रिल देकर ही लहंगा बनाया है। इसमें हमने इस तरीके की हैवी वर्क लेसेस लगाई है ऊपर की तरफ और ये नीचे की साइड, फिर जो स्टोन लेस आती है सिल्वर कलर की उसको कुछ इस तरीके से कट करके डिजाइनर वे में लगाया है और ये हमने गोटा अटैच किया है। अब ये इसकी मैचिंग चुन्नी है जिसमें हमने सेम क्लॉथ लिया है, उसके कोने पे हमने गोल्डन कलर की किरण लगाई है और यहाँ पे जैसे हमने स्टोन लेस से इस पे डिजाइन किया था वैसा ही इस पे किया है। बहुत सुंदर है ये ड्रेस। अब देखिए ये हमारी नवी ड्रेस है, यानी कि हमारी लास्ट ड्रेस। ये हमने रेड कलर में ही तैयार की है, इसमें इस तरीके से हमने गोल्डन कलर का रिबन लगाया है, गोल्डन लेस का भी हमने यहाँ पे यूज किया है, पॉम पॉम लगाया है रेड कलर के। देखिए ये हमारी चुन्नी है जिसके लिए हमने रेड कलर का नेट लिया था और उसके ऊपर इस तरीके से लेसेस अटैच की थी। बहुत सुंदर चुन्नी तैयार हुई है। टोटली मैंने आपको 9 ड्रेसेस शो की हैं। मुझे कमेंट्स में लिख के बताना मत भूलिएगा आपको सबसे सुंदर कौन सी लगी। सारी ड्रेसेस को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। मैंने इन सारी ड्रेसेस को बनाने में बहुत मेहनत की है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये डिज़ाइंस बहुत अच्छी लगी होंगी। गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की किसी स्पेशल सी चीज़ के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।